नगर निगम जहां की पूरे नगर के विकास की रूपरेखा खींची जाती है, वहीं उसके ठीक सामने स्थित शहीद उद्यान में जहां बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले लगे हुए हैं, इस गर्मी के मौसम में शाम के वक्त अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ शहीद उद्यान में आते हैं और बच्चों के मनोरंजन के लिए उनको झूलों पर झूलाते हैं। लेकिन हाल यह है कि शहीद उद्यान में आगे की तरफ फाउंटेन के पास तो लाइट लगा हुआ है, लेकिन जहां पर बच्चे खेलते हैं, झूला झूलते हैं, हाथी पर सरकते हैं, उन सब जगहों पर खूब अंधेरा है। और शाम के वक्त इवनिंग वॉक के लिए जो लोग आते जाते हैं, उस पाथवे पर कुछ कुछ दूर पर लाइट जलती है, लेकिन उसके बीच का जगह जहाँ पर सभी झूले इत्यादि बच्चों के मनोरंजन के लिए लगे हुए हैं, वहाँ पर घुप अंधेरा है। जो बीच में लाइट लगी हुई है, वह अपनी दुर्दशा को खुद ही रोता हुआ नजर आया। एक खंभे पर लगे लाइट तो जल ही नहीं रहे थे और एक खंभे पर लगा हुआ लाइट खुद को भी ढूंढ नहीं पा रहा था। यह स्थिति बनी हुई है और उसी के ठीक बगल में स्मार्ट सिटी का कार्यालय भी है, फिर भी पार्क का, बच्चों के खेलने वाले इस जगह का अजब हाल है। शाम के वक्त आने वाले अभिभावक अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर बच्चों को पार्क के अंदर लेकर आते जाते दिखे और झूलों पर झूलते हुए नजर आए। उन्हीं में से एक अभिभावक ने बताया कि नगर निगम के ठीक सामने स्थित इस पार्क में नगर निगम के सामने रोड पर तो लाइट है, पर अंदर बच्चों के खेलने वाले स्थान पर खूब अंधेरा रहता है और इस वजह से अंधेरे में कई बार बच्चे गिर जाते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन से अनुरोध है कि यहां पर लाइट की समुचित व्यवस्था की जाए। हम यहां पे शाम को हमेशा ही आते हैं शहीद उद्यान पार्क में, और यहां की झूला वगैरह तो यहां पे है, लेकिन यहां की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहां बहुत ही अंधेरा है। जो मेन रोड है नगर निगम के सामने ये पार्क है, और मेन रोड पे तो लाइट वगैरह अच्छी है, लेकिन अंदर ये जो पार्क है यहाँ पे एकदम अंधेरा है। बहुत सारे झूले हम लोग हमेशा बच्चों को लेकर आते हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ पे आते हैं टहलने के लिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। और ये नगर निगम के सामने का पार्क है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। अभी बच्चे यहाँ पे गिर जा रहे हैं, इतना अंधेरा है।